नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समास पर आधारित MCQs, ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 8? समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 8 या फिर 6? ध्यान से सोचें। बिल्कुल ठीक, 6 भेद होते हैं। दही बड़ा पद का विग्रह है, दही और बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में तैरता हुआ बड़ा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही, दही में डूबा हुआ बड़ा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? संधि, समास, अव्यय या फिर छंद? ध्यान से सोचें। बिल्कुल सही, समास कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर समस्त पद बनता है। नवरत्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीही समास? प्रथम पद पर ध्यान दें तो आप उत्तर आसानी से पहचान सकेंगे। बिल्कुल सही पहचाना, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी उससे आपको नंबर का पता चलता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीही, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? ध्यान से देखें, प्रधान है जो मंत्री, यहां मंत्री की विशेषता बताता है प्रधान शब्द, तो कौन सा होगा? विशेषण और विशेष्य वाला। बिल्कुल ठीक, कर्मधारय समास। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीही या अव्ययी भाव समास? अब यहां आप कहेंगे पहला पद संख्यावाची है, लेकिन बेटा ध्यान से ये देखना है कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है? 4 भुजाओं वाला। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये होगा बहुव्रीही समास। चतुर्भुज विष्णु को कहा जाता है। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घोड़ा और दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़े जैसी दौड़? बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर है घोड़े की दौड़। आ जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म, इसमें है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास? ध्यान से सोचें। पहला पद क्या है? अव्यय, यानी जिसमें कभी भी बदलाव नहीं आता। आ जो है पद, उसमें कभी भी बदलाव नहीं होगा, इसलिए यह हो गया अव्ययी भाव समास। अगला, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीही या फिर अव्ययी भाव? राष्ट्र का पति, इसका विग्रह करके देखें तो आप समझ जाएंगे, यहां पर होगा तत्पुरुष समास। अगला, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीही समास? जहां दोनों पद अप्रधान होंगे, वहां कोई तीसरा पद निकल कर आता है, तो वो होगा बहुव्रीही समास। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वो कौन सा है? बहुव्रीही, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? याद कीजिए, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास। बिल्कुल ठीक पहचाना। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव? चौराहा, 4 राहों का समाहार है ना, तो यहां पर क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, यानी 3 लोचन हैं जिसके, किसके हैं 3 लोचन? शिव के हैं, तो क्या ये बहुव्रीही है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है? बिल्कुल ठीक, बहुव्रीही समास।
निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? याद रखिए, अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है उसका व्यय नहीं होता, यानी वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो यहां है आपके ऑप्शंस, गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। यहां ध्यान से देखें किसका पहला पद है जिसमें कभी बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? भरपेट, पेट भर के, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, दाल चावल, दाल वाले चावल, राजकुमार, राजा का कुमार। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए विकल्प देख इसका उत्तर देखते हैं। दाल चावल वाला, दाल वाले चावल नहीं होगा, दाल और चावल होगा। देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुव्रीही या फिर द्विगु। बिल्कुल ठीक पहचाना, तत्पुरुष समास। मृत्युंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीही, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। मृत्यु को जीत लिया है जिसने, तो यहां पर किसी विशेष की बात हो रही है, तो यहां होगा हमारा बहुव्रीही समास। चिड़ी मार में कौन सा समास है? बहुव्रीही, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। चिड़ी को यानी चिड़िया को मारने वाला। बिल्कुल ठीक पहचाना, तत्पुरुष समास। तो बच्चों ध्यान रहे, यहां तत्पुरुष समास इसलिए है क्योंकि यहां उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है और पूर्व पद में से विभक्ति का लोप हो गया है, को विभक्ति हट गई है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। बहुत ही सरल प्रश्न है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी उसे छोटा करके लिखना। अगला प्रश्न, सप्तर्षि में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीही। पहले पद पर ध्यान दीजिए, सप्तऋषि है ना, सात से पता चलता है कि ये द्विगु समास है। यथा शक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, शक्ति के अनुसार। बिल्कुल ठीक पहचाना। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, आप पहले पद पे ध्यान दीजिए, पांच वटों यानी वृक्षों का समाहार। तो ये बहुव्रीही है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है। द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? याद कीजिए, द्वंद्व समास में कौन सी पहचान होती है और दोनों पद क्या होते हैं? क्या ये पीतांबर है, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा? बिल्कुल ठीक पहचाना, रुपया पैसा। यहां रुपया और पैसा यानी दोनों के दोनों पद ही आपस में प्रधान हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? बहुव्रीही, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष। विग्रह करके देखें, रसोई के लिए घर, तो विभक्ति चिन्ह किसमें आते हैं? बिल्कुल ठीक, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? बहुव्रीही, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष। मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली। तो यहां पहला पद और दूसरा पद क्या है? आपस में विशेषण और विशेष्य का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा होगा समास? कर्मधारय समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? बहुव्रीही, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। अभी अभी पिछले स्लाइड में हमने इसी प्रकार का एक प्रश्न किया है। द्वंद्व समास, क्योंकि दूध और रोटी दोनों बराबर के पद हैं, यानी दोनों ही प्रधान हैं। कौन सा शब्द बहुव्रीही समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। ध्यान से सोचिए, बहुव्रीही समास में तीसरा कोई पद प्रधान होता है, तो यहां होगा पंचानन। पंचानन यहां पे पंच आनन है जिसके, यानी कोई तीसरा पद ही प्रधान है। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीही, कर्मधारय, द्विगु
या फिर तत्पुरुष। निशा में विचरण करने वाला यानी कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में या प्राणी के बारे में बात हो रही है जो कि रात में विचरण करता है, तो ये होगा बहुव्रीही समास। निम्न शब्दों में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, निस्संदेह, शोकाकुल या फिर भरसक। पहले पद पे ध्यान दीजिए, आप इसके उत्तर आसानी से समझ सकते हैं। आमरण में आ क्या है? अव्यय है। निस्संदेह में नि जो है वो अव्यय है। शोकाकुल का अगर विग्रह करें तो होगा शोक से व्याकुल, तो यहां पर से विभक्ति लगी हुई है, तो ये तो अव्ययी नहीं हो सकता, ये तत्पुरुष का उदाहरण है, तो इसलिए आपका उत्तर होगा शोकाकुल। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीही। चंद्र के समान मुख, तो यहां मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है, तो यहां विशेषण और विशेष्य का संबंध है, बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक पहचाना, कर्मधारय समास। परमानंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीही या फिर द्विगु समास। परम है जो आनंद, आनंद कैसा है? परम, तो यहां कैसा का उत्तर मिलने पर क्या होगा? विशेषण विशेष्य का संबंध, तो ये भी हुआ कर्मधारय समास। प्रतिकूल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। प्रतिकूल, पहले पद पर ध्यान दीजिए, ये अव्यय है ना, तो क्या हो गया इसका उत्तर? अव्ययी भाव। पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीही या फिर कर्मधारय। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, यहां आपको विग्रह करके देखने पर समास की पहचान करना बड़ा आसान होगा। तो पाप से मुक्त, विभक्ति चिन्ह किसमें लगता है? तत्पुरुष समास में, तो उत्तर भी हो गया तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द में समास है कौन सा? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीही, इसका भी विग्रह करके देखिए। आप पर बीती, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? पर विभक्ति चिन्ह, तो इसका लोप होने पर बना है समस्त पद आप बीती, तो यह भी हुआ तत्पुरुष का उदाहरण। अगला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? बच्चों ये तो बहुत ही सरल है, दशानन किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, तो ये क्या तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीही है या फिर द्विगु समास है? दश है आनंद जिसके, यानी दस सिरों वाला कौन है वो? रावण, तो क्या हो गया? बहुव्रीही समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चार राहों का समाहार, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। बिल्कुल ठीक, द्विगु समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय, इसका विग्रह कीजिए, आप उत्तर जान जाएंगे। राजा का पुत्र, तो यहां का विभक्ति चिन्ह लगा है, किसमें होता है? बिल्कुल ठीक, तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? चक्रपाणि, चतुर्युग्म, श्वेतांबर या फिर माता पिता। ध्यान से देखें किसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध दिख रहा है। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र। गजानन में कौन सा समास है? गज के समान आनन है जिसका या गज के आनन वाला है जो, कौन है वो? गणेश, तो क्या ये द्वंद्व है, बहुव्रीही है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है? किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है? बिल्कुल ठीक, बहुव्रीही समास। अगला प्रश्न, प्रश्न है, नीला है जो कमल का समस्त पद है। कमल नील, नील कमल, नील कलम, नील पंकज। उत्तर है नील कमल, है ना, क्योंकि इसमें कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीले रंग का है। देशभक्ति कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीही, इसको
आप विग्रह करके देख सकते हैं। देश के लिए भक्ति, यहाँ के लिए लगा हुआ है विभक्ति चिन्ह, इसे हटा दें तो क्या बन जाएगा? देशभक्ति। तो ये कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीही या फिर द्विगु? त्रिलोचन, तीन नयन हैं जिसके, लोचन यानी नयन, आंखें किसकी हैं? शिव की हैं। तो क्या ये अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीही या फिर द्विगु? अब ये नहीं कहेंगे कि मैम यहां पर त्रि लगा है, त्रीन जो है वो संख्यावाची है, लेकिन इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि ये कौन सा समास होगा। तो यहां तीसरा पद प्रधान है ना, तीन लोचन हैं जिसके, किसके हैं तीन लोचन? शिव के हैं। तो ये होगा बहुव्रीही समास। चौराहा में कौन सा समास है? यहां आप ध्यान दीजिए, चौराहा जो शब्द है ये चार राहों का समाहार है। बच्चों ये दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है, तो इसको आप चौमासा भी कर सकते हैं। चौमासा में चार मासों का समाहार, तो उस प्रकार से ये भी आपका होगा द्विगु समास। विशेषण और विशेष्य के मेल से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? उत्तर है कर्मधारय, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी जाना है। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, दोनों पद ही यहां पर बराबर के हैं, तो क्या ये द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है? बिल्कुल सही, द्वंद्व समास, जहां पर दोनों ही पद बराबर के हों, दोनों में द्वंद्व हो, है ना। तो कौन सा शब्द बहुव्रीही समास का सही उदाहरण है? त्रिभुज, चौराहा, महादेव या फिर राजकुमार? बहुव्रीही में तीसरा पद प्रधान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, महादेव। महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है। तो यहां विशेषण और विशेष्य का संबंध है। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास? बिल्कुल सही, कर्मधारय समास। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण थे जिस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप जानते हैं कि किस प्रकार से समास को पहचानना है, तो आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यदि विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां आप समास का वीडियो देखकर आसानी से समासों को पहचानना सीख सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।